बाद वो चमत्कारिक व्यक्ति साधु दोबारा वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि भाई अब तो संत रविदास जी जो हैं उन्होंने महल बना लिया होगा, लेकिन देखता क्या है कि पहले उस कुटिया पर कुछ छान फूस तो था, अब की बार तो वो छान फूस भी उड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, रैदास जी आपको पता है कि मैं आपको क्या वस्तु देकर गया था? संत रविदास जी ने बड़े सटीक शब्दों में कहा कि जो आप चीज देकर गए थे वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो बोलो कहाँ है वो? बोल जहां आपने रखी है वहीं की वहीं रखी है। ऐसे थे हमारे संत रविदास जी। ये जो जयंतियां हम अपने महापुरुषों की मनाते हैं ये खाली औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए। इन पुनीत अवसरों पर हमें जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का संकल्प लेना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए और सही मायने में जो समाज आज जागृति के बगैर अधूरा है उसको भाषण की आवश्यकता नहीं है, उसकी कुटिया पर जाकर जागृत करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आप लोगों को जब तक बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को लेकर एक एक जगह एक एक कुटिया में एक एक दलित समाज के घर में नहीं जाएंगे और उसको आज की जो वस्तु स्थिति है, ताजा राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति है उससे अवगत नहीं कराएंगे, तब तक बाबा साहब के स्वप्न कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों से आपको आग्रह करना चाहता हूं कि जब से हम यहां देखे हैं बैठे हैं एक ही बात बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, टाइम हो गया टाइम हो गया, यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे हम अपने महापुरुषों के जीवनी के जयंती समारोह के लिए नहीं दे सकते। तो बाबा साहब के स्वप्न पूरे कैसे होंगे जब आज का दिन भी बड़ी कंजूसी से आप समाज को दे रहे हैं? तो मैं समझता हूं बाबा साहब के लिए और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके बताए हुए मार्ग की हम अवहेलना करते हैं। बाबा साहब ने 25 रुपए की छात्रवृत्ति उस समय लेकर इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की, अपने परिवार को समाप्त करके आप लोगों को दलदल से ऊपर उठाया और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि जो आज वर्तमान समय में हमारा समाज का हिस्सा दलदल में फंसा हुआ है उसको निकालने का हम प्रयत्न करें, कोशिश करें। लेकिन हमारे दिल में तो यह होती है, मैं तो क्रिज के कपड़े पहनता हूं कभी छींटना लग जाए। तो इन सब बातों को हमें नजरअंदाज करके और सही मूल मंत्र पर चलना है और समाज का परिवर्तन लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और विशेषकर हमारे जो प्रभाकर जी हैं, सुधाकर जी सॉरी, ये हमारे बहुत ही पुराने साथी रहे हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय रविदास। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज़ ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें, एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः
हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमोदय, जय भीम।